दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल करे तो पिता आज तो प्यार से बाबुल करे तो हेलो चे कॉर्डलेस को बढ़ाइए भैया। हेलो कॉर्डलेस को बढ़ाइए जरा। हेलो 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 चे। चलो महारानी अब हम लोग यहाँ से अपने महल की ओर चलते हैं। क्यों नहीं चलने की तैयारी कीजिए। हेलो बेस्ट काम कीजिए। आहे चलबा चला है रानी है।
मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है महारानी। हम लोग चलते चलते करीब आ चुके हैं, यहां से विक्रमपुर शहर का सीमा समाप्त हो गया और ये अपना उत्तमपुर शहर का सीमान है महारानी। क्या ये उत्तमपुर शहर का सीमान है? हाँ महारानी। स्वामी जी, मैं जरा आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जरा आप डोली को रुक पाइए उत्तमपुर सीमान पे। डोली को रोक दू? हाँ ठीक है महारानी। सुनो कहार भाइयों, डोली को रोक दो। कहो महारानी क्या कहना चाहती है तू? स्वामी जी, आप जो मुझसे शादी करके अपना महल लेके जा रहे हैं, आपके महल के बारे में जानने के लिए चाहती हूँ कि आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं। महारानी हाँ, मैं इस बात को अपने मन में सोचते विचार रहा था कि मैं महारानी को सब कुछ कह कर के बता दूंगा। क्यों नहीं? लेकिन महारानी अच्छा किया जो तू पूछ लिया। क्यों नहीं स्वामी जी? मेरे हवेली में एक मैं हूँ और एक महामंत्री है और एक नौड़ी है और एक तुमसे बड़ी बड़ी महारानी है जो कि मुझे सौतन लगेंगे। महारानी परी महारानी तो सिर्फ कहने की सौतन है। हवेली में चल करके जब तू परी महारानी को देखोगी तो परी महारानी तुम्हें सौतन नजर नहीं आएगी। महारानी खैर कोई बात नहीं स्वामी जी, इसमें संतोष करने की क्या बात है। लेकिन स्वामी जी। लेकिन क्या क्या हुआ महारानी? स्वामी जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है? प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। लेकिन महारानी अपने सीमान पर मैं पानी कहां से लाऊंगा? इस जंगल से लाइए ना, इसी उत्तमपुर सीमान पे जाइए स्वामी जी, ना तो मैं पानी के बिना मर जाऊंगी स्वामी। नहीं महारानी, तू भगवान के लिए मरने की बात मत करो और इसी जगह वृक्ष के नीचे बैठ करके तू मेरा इंतजार करो। महारानी मैं जा रहा हूँ, कहीं से पानी ढूंढ करके जरूर ले आऊंगा। क्यों नहीं स्वामी जी चाहिए? आहो नजर हो खी हीरा भी आई हो बाबूजी। मर जाने से पहले ये उस महल में मैं रहूंगी, ये तो मेरी सौतन रहेगी। सबसे पहले मैं उस उत्तमपुर सीमान पे मैं छोटी सी बहाना बनाई हूँ कि स्वामी जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरे स्वामी जी उत्तमपुर सीमान पे गए हैं पानी आने के लिए। जैसे पानी लेके आएंगे, पानी पिलाने से पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। सत करवाने के बाद उस महल में जो मुझसे एक बड़ी सौतन रहती है, मैं उसे 14 बरस के लिए वनवास दे दूंगी। अरे ना रहेगी बांस, बजेगी बांसुरी। आप ही लोग बताइए, कई एक घर में 2 सौतन रह सकती है? नहीं रह सकती है। कई एक तालाब में शेर और बकरी पानी पी सकते हैं? नाइयों की
हंसी की मुबारक दरिया गई है, सजी जुल्फों में चांदी सी दुल्हन जमी पर पलक से